तिरंगे का अपमान का बात करता है, देश का अपमान का बात कर रहा था, तो सारे विपक्षी दलों के मुंह पर ताला क्यों था? धर्म का चोला ओढ़े हुआ है विपक्ष, कभी नरेंद्र मोदी को सत्ता से नहीं उखाड़ सकता है। यादव पंडित की पॉलिटिक्स करता है कोई, यादव मुस्लिम की पॉलिटिक्स करता है कोई, कुशवाहा की पॉलिटिक्स करता है कोई, यादव मुस्लिम की पॉलिटिक्स करता है कोई, दलित की पॉलिटिक्स करता है, कि लगेगी आग तो आएगी कई घर जद में, लगेगी आग तो आएगी कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। नमस्कार, मैं हूँ सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम पटना में हैं और पटना में हमारे साथ एक पत्रकार हैं और एक अजय कुशवाहा जी हैं। अजय कुशवाहा जी छोटी मोटी पार्टी चलाते हैं और कहीं ना कहीं समाज पे और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल्स पे अच्छा पकड़ रखते हैं। हमारे साथ पत्रकार भी हैं जो पटना की तमाम चीज़ों को, पॉलिटिकल खबर को कवर करते हैं। हम जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है उसका कारण क्या है, क्या 6 साल तक उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कॉज हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं अमित सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना बताइए, क्या लगता है जो हमारे सांसद के एक सदस्य हैं राहुल गांधी जी, उनकी सदस्यता निलंबित कर दी जाएगी 6 साल तक? नहीं, देखिए 6 साल तक तो ये कर दिया गया, लेकिन ये हाईकोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो शायद ये वापस मिल सकता है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से विपक्ष आज एकजुटता दिखा रही है राहुल गांधी के प्रति, लालू यादव के प्रति, लालू यादव का भी सदस्यता रद्द हुआ था तो इसी तरह किए थे, लेकिन ये जो विपक्ष है ना, ये कहीं ना कहीं विपक्ष रियलिटी में एकजुट नहीं है। कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि विपक्ष में ही विभिन्न विभिन्न जाति धर्म से लोग जुड़े हुए हैं, जाति धर्म की पॉलिटिक्स करते हैं, कोई यादव पंडित की पॉलिटिक्स करता है, कोई यादव मुस्लिम की पॉलिटिक्स करता है, कोई कुशवाहा की पॉलिटिक्स करता है, कोई यादव मुस्लिम की पॉलिटिक्स करता है, कोई दलित की पॉलिटिक्स करता है। मेरा कहने का मतलब है, जिस तरह लालू यादव जी का जिस तरीके से सदस्यता रद्द हुआ था, पूरा सड़क जाम किया गया था, पूरा आंदोलन हुआ था, आज राहुल गांधी जी का जब सदस्यता रद्द हुआ तो पूरा विपक्ष एकजुटता दिखा रहा है। मेरा कहने का मतलब यही है विपक्ष से कि जब आजम खान का जब सदस्यता रद्द हुआ था तो सड़क पर क्यों नहीं उतरे थे, अब्दुल्ला खान आजम का जब सदस्यता रद्द हुआ था तो क्यों नहीं सड़क पर उतरे थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके 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 जो दिल में चोर है ना, आप चोर लोग हो, इसीलिए आप लोग को डर लगता है कि एक मुसलमान के साथ आप लोग खड़े नहीं होते और सिर्फ नाम देते हो कि हम मुसलमानों के साथ है। आजम खान के साथ क्यों नहीं विपक्ष खड़ा था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आजम खान के साथ क्यों नहीं विपक्ष खड़ा था? आजम खान कोई बड़ा आतंकवादी है? ओसामा बिन लादेन के खानदान से आते हैं? क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आजम खान एक मुसलमान है। और राहुल गांधी जी की जहाँ तक बात रही तो वो खुद के पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। राहत इंदौरी की एक शायरी मैं आपको सुना देता हूँ कि लगेगी आग तो आएगी कई घर जद में, लगेगी आग तो आएगी कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लालू जी का मकान जलाए राहुल गांधी जी, तो खुद का मकान जल गया आज, तो इसमें कौन सी हो हल्ला करने वाली बात है, इसमें विधवा विलाप क्या करने वाली बात है? आप ही ना आग लगाए थे, अगर अपना बिल फाड़ते ना लालू यादव सदस्यता रद्द होता, ना आपका सदस्यता रद्द होता, आप भी बचे रहते, लालू जी भी बचे रहते, तो गलती तो आपका है, राहुल गांधी जी का गलती है। ऐसा नहीं लग रहा है कि राहुल जी कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं? राहुल गांधी तो गेम खेल ही रहे हैं, अगर ये चाहते हैं तो पहले ही बेल ले सकते थे इस पर, लेकिन ये जानबूझ करके इसको रखे हुए थे कि जब हम पर सरकार जो हम एक्शन लेगी तब हम आंदोलन करेंगे और विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं, कोई फायदा नहीं होने। क्या लगता है उनको बेल मिल जाएगी? बेल मिलेगा, सदस्यता भी वापस शायद मिल सकता है जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, क्योंकि उनमें बड़े बड़े वकील है, ये कोई बड़ा बयान 27 मिनट में उनकी उनको जमानत मिल जाती है, समझ रहे हैं? ये कोई बड़ा बयान नहीं है कि मोदी सरनेम वाले लोग चोर होते, ये कोई बड़ा बयान नहीं है। मैं समझता हूँ ठीक है, वो जिस संदर्भ में का है, वो नीरव मोदी को चोर बोले थे, फिर से आपको एक और मोदी है जो IPL कराते थे उनको चोर बोले, ललित मोदी उनको चोर बोले, इसी को लेकर कोर्ट करके वो बोले थे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जो BJP का सांसद और विधायक बोलता है कि मुसलमानों से उसका वोट देने का राइट छीन लो, अधिकार छीन लो, उसका भी सदस्यता रद्द होना चाहिए ना। जो बोलता है सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो, उसका भी सदस्यता रद्द होना चाहिए। तो दोहरी नीति और दोगली नीति नहीं चलिए, जो भी है सबको एक बराबर देखिए, बस मेरा यही कहना है। क्या लगता है तो इस पर BJP को खुश होना चाहिए? BJP को खुश क्यों होना चाहिए? BJP खुश या नाराज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी 2024 में हैट्रिक लगाने वाले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, एकदम 1000% कहिए तो स्टम्प पेपर पर लिख के दे देता हूँ कि नरेंद्र मोदी को हराने वाला विपक्ष में कोई पैदा नहीं लिया। तो चुटकी बजने में हार जाएंगे, लेकिन विपक्ष का पहले मुखौटा तो साफ हो, विपक्ष का नियत तो साफ हो। आप धर्म के नाम पर चुपचाप लगा देते हैं, सही बात बोल नहीं पाते हैं, इतने डरते हैं धर्म के नाम पर कि सत्ता चला जाएगा मेरा। जब तक ये डर आपके दिल से नहीं निकलेगा,
कि सच बोलने वाला झूठ का सहारा लेते हैं, क्यों आप लोग साथ देते हैं? जब अयोध्या वाला कांड हुआ, जजमेंट आया, उस पर सारे विपक्षी के दलों पे के मुंह पर ताला क्यों? बिना सबूत का जजमेंट दे दिया जज ने, और उस पर आप लोग कुछ नहीं बोले, सच को दबा दिए क्यों? और जब एक बाबा तिरंगे का अपमान का बात करता है, देश का अपमान का बात कर रहा था, तो सारे विपक्षी दलों के मुंह पर ताला क्यों था? जूनागढ़ अखाड़ा के मठाधीश जब बोला कि तिरंगे का बहिष्कार करो और भगवा लहराओ, तो कहाँ था विपक्ष? मर गया था? आज एक झूठता दिखा लो, कल कहाँ मर गए थे सारे विपक्ष? सच्चाई को कबूलना होगा विपक्ष को, सच को सच बोलना होगा, झूठ को झूठ। और जब तक धर्म का चोला ओढ़े हुआ है विपक्ष, कभी नरेंद्र मोदी को सत्ता से नहीं उखाड़ सकता है। कि जो राहुल गांधी जी की सदस्यता गई है उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक पता नहीं क्या क्या बक देते हैं, तो क्या लगता है ये कमजोरी किसका है? हम नरेंद्र मोदी का कमजोरी नहीं देंगे, सारे विपक्ष कमजोर है, डरपोक है। जब पठान अति कश्मीर जाता है तो कहता है मोदी जी हम पठान का बच्चा है, बिहार आता है तो कहता है हम बिहारी हैं, बंगाल जाता है तो कहता है हम बंगाली हैं। ये जब बोला जाता है तो उस समय कहाँ था? और जब एक महिला सांसद को सूर्पनखा कहा गया तो कहाँ था कांग्रेस? मर गया था उस समय कि था जिंदा? तो सलाहकार जब मनुवाद सामंतवाद आरएसएस विचारधारा के रखेंगे विपक्ष, तो कभी नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकता। और सारे विपक्षी दलों में ऐसे जेड तक में मनुवाद और सामंतवाद आरएसएस विचारधारा के सलाहकार हैं। वोट चाहिए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का, आदिवासी का, और सत्ता में भागीदारी किसको मिलता है? मनुवाद और सामंतवाद आरएसएस विचारधारा को। 2002 दंगा जब गुजरात में हुआ तो उसमें जब जांच आयोग बैठा, सीबीआई को केस दिया गया, तो उसमें क्यों बचाया गया कांग्रेस द्वारा? कांग्रेस ने बचाया है। और आज दुर्दशा है देश का, भारत का, तो कांग्रेस का देन है। उसमें एक अल्पसंख्यक नेता थे और दो जो है मनुवादी सामंतवादी, हम इनको भी अल्पसंख्यक को कहेंगे, वो भी मनुवादी सामंतवादी थे। स्वर्ग लोक चले गए, इंतकाल हो गया, लेकिन उन्होंने देश के साथ सही नहीं किया था। चलिए, ये थे हमारे साथ कुशवाहा जी, और हमारे साथ एक प्रकार थे, उन्होंने क्या बातें रखी आपने देखा। यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को फॉलो करें, और अपनी कमेंट्स, अपनी राय हमारे कमेंट्स में आकर के दें, और हमें बताएं कि हम कौन कौन चीज़ों पर बात करें, किस किस चीज़ों का आप तक दिखाएं। जब तक के लिए शुक्रिया।